जय हिंद। देखिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं जो पिछले कई वर्षों में हमारे आर्ट से संबंधित क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं पेपर में, आज हम लोग उसको देखेंगे। तो चलिए मित्र, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और ये देखिए एग्जाम पॉइंटर है मित्र, और ये पॉइंट वाइज है, तो चलिए देखते हैं। देखिए कह रहा है भारतीय कला की पहचान है, तो ये जो क्वेश्चन है भारतीय कला की पहचान है, तो इसका जो राइट आंसर था दिया था उसमें वो था वर्णात्मक। ये देखिए आपका क्वेश्चन आया हुआ है DSSSB 27/2018 में, ठीक है। और देखिए ये सही मिलान के लिए आया हुआ है, तो इसका जो सही मिलान है ये रूप भेद यानी रूप की विविधता प्रमाण अनुपात को कहा जाता है, सादृश्य समानता को। वर्णिका भंग का मतलब विविध रंग से होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप से कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर इन्होंने दिया था ये दिया था आपका प्रमाण। आपका क्वेश्चन आया हुआ है TGT 1999 में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय चित्रकला का रंग विधान भाग है, तो भारतीय चित्रकला का जो रंग विधान भाग है वो दिया था वर्णिका भंग से, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है PGT 2013 में। नेक्स्ट है भारतीय चित्रकला के षडंग का सही अनुक्रम है, तो इसका जो सही अनुक्रम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रूप भेद प्रमाण भाव लवण योजनम। ये आपका डायट प्रवक्ता 2016 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। और देखिए नेक्स्ट है करें प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात के लिए प्रयोग किया गया है, तो मतलब जो षडंग में अनुपात के लिए प्रयोग किया गया था वो किया गया था आपका प्रमाण शब्द का, ठीक है। ये भी TGT में आया हुआ क्वेश्चन आपका है। और नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय षडंग के सूत्रधार है, तो भारतीय षडंग के सूत्रधार जो हो जाएंगे मित्र वो हो जाएंगे आपके यशोधर पंडित जी। ये क्वेश्चन PGT 2011 में आया हुआ है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है मित्र वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं इधर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है भारतीय षडंग के सूत्रधार हैं, तो ये हो जाएंगे आपके यशोधर पंडित। नेक्स्ट पॉइंट है षडंग का पहला अंग है, तो मेरे जो षडंग का पहला अंग है वो आपका रूप भेद हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है षडंग संबंधित है, तो जो षडंग संबंधित है वो आपके चित्रकला से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है षडंग सिद्धांत है, तो मित्र जो षडंग सिद्धांत है वो आपके कामसूत्र ग्रंथ में है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र की व्याख्या या टीका में कला षडंग का उल्लेख किया गया है, तो इसका जो उल्लेख किया है मित्र उसे किए हैं यशोधर ने, जो यशोधर पंडित महोदय हैं उन्होंने वात्स्यायन रचित कामसूत्र की व्याख्या या टीका में कला षडंग का उल्लेख किया है, ठीक है। ये सब देखिए क्वेश्चन आपका आया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है प्राचीन भारतीय चित्रकला में षडंग में वर्ण के लिए प्रयोग हुआ है, तो जो वर्ण के लिए प्रयोग हुआ है वो शब्द हुआ है आपका वर्णिका भंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मित्र अगला पॉइंट कह रहा है भारतीय षडंग 6 अंग के रचयिता हैं, तो जो भारतीय षडंग के रचयिता हैं वो आपके यशोधर पंडित महोदय हैं। इसके बाद दिया हुआ है भारतीय चित्रकला के 6 अंगों के विस्तृत विवरण मिलता है, तो मतलब जो भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण मिलता है वो हमें देखने को मिलता है यशोधर कृत जयमंगला ग्रंथ में, ठीक है। नेक्स्ट है सिद्धांत की आधारशिला का समर्थन करता है, तो मित्र गेस्टाल्ट सिद्धांत सिद्धांत की आधारशिला का समर्थन करता है, ये आपका UGC नीट जनवरी 2017 थर्ड पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट कह रहा है चीनी चित्रकला का षडंग लिखा है, तो मित्र जो चीनी चित्रकला का षडंग लिखा है वो लिखा है सिंहों ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है संस्कृत सूत्र के कालक्रम के आधार पर सही क्रम है, का जो राइट आंसर दिया है मित्र वो दिया है प्रमाण भाव लावण्य वर्णिका भंग। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है चित्रकला में षडांग में वर्णित तत्वों का सही क्रम है,
तो इसका हो जाएगा रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, त्रिआयामी कला रूप है। तो मित्र जो त्रिआयामी कला रूप है वो मूर्ति कला के अंतर्गत आता है। ठीक है, रूपप्रद कला से संबंध नहीं है। तो आपको बताना है रूपप्रद कला से संबंध नहीं है तो वो हो जाएगा आपका स्वर। ठीक है, का रूप कला से संबंध नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है क्षेत्र को कहते हैं। तो मित्र क्षेत्र को अंतराल कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है। तो जो समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है वो हो जाएगा आपका रेखांकन। देखिए मित्र यहाँ पे जो हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन हमारे किसी न किसी पेपर में आर्ट से संबंधित जो पूछे गए क्वेश्चन है उसके आंसर और क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था मुख्य रूप से दृश्यात्मक तत्वों के माध्यम से अनुभव किया जाता है। तो इसका जो आंसर दिया था वो आज की कला का दिया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया था वह तत्व जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। तो मित्र जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है वो हो जाएगा आपका धरातल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं। तो इसे लय कहा जाता है। इसके बाद देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था सही सुमेलन करने के लिए। तो ये जो फॉन्ट हो जाएगा इसका टाइप से संबंधित हो जाएगा, रंगत रंग से संबंधित हो जाएगा, पोत धरातलीय गुण से हो जाएगा, रूप अंतराल से हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था आपका 2016 का क्वेश्चन है। ये पोत है एक, तो मित्र जो पोत है वो आपका धरातलीय गुण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव कहलाता है। तो वो आपका पोत कहलाता है। दृश्य कला हेतु उचित अनुक्रम है। तो मित्र दृश्य कला हेतु आपका जो उचित अनुक्रम हो जाएगा वो हो जाएगा संकल्पना रेखाचित्र व्यापक परिसज्जा। ठीक है, नेक्स्ट है सघनता से संबंध है। तो सघनता से संबंध जिसका हो जाएगा वो हो जाएगा तान का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत को विकसित किया गया था। तो मित्र जो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत को विकसित किया गया था वो यूनान के कलाकारों द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके बाद दिया था लावण्य योजना कहते हैं। तो जो लावण्य योजना होता है वो बाह्य सौंदर्य व्यंजन को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था तीव्र प्रकाश को कहा जाता है। तो मित्र जो तीव्र प्रकाश होता है उसे हाईलाइट कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था रूपप्रद कला नहीं है। तो जो रूपप्रद कला है मित्र वो संगीत कला नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था परिप्रेक्ष्य होता है। तो मित्र जो परिप्रेक्ष्य होता है वो दो प्रकार का होता है। ये जो क्वेश्चन आंसर हम करा रहे हैं मित्र ये आपके विगत वर्षों में आर्ट से संबंधित पूछे गए प्रश्नोत्तर हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है। तो जो कलाकार होता है मित्र वो रेखा से रूप से और रंगों द्वारा यानी इन सभी द्वारा सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था पोत से हम अनुभव करते हैं। तो मित्र जो पोत से हम अनुभव करते हैं वो स्पर्श ज्ञान का अनुभव करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था रंगत के हल्के व गहरेपन को कहा जाता है। तो मित्र जो रंगत के हल्के व गहरेपन को कहा जाता है वो तान कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था चित्रकला के तत्व माने गए हैं। तो चित्रकला के जो तत्व माने गए हैं वो छह तत्व माने गए हैं। इसके बाद दिया था रोड्स के द्वारा जिन रंगों की दृश्यानुभूति होती है वो है आपके सफ़ेद और काला। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ था किसी ठोस घन की सतह होती है। तो जो ठोस घन की सतह होती है मित्र वो छः होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए ये है आपका 2014 में पूछा गया है कला तत्व जो सभी कलाओं में उपस्थित होता है।
तो जो कला तत्व तो ऐसा कौन सा है वो जो सभी कलाओं में उपस्थित होता है, तो वो आपका सामंजस्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था 2014 में, एक दृश्य कला द्विआयामी है, तो इसका राइट आंसर दिया था मित्र चित्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका दिया हुआ था 2013 में, ललित कलाओं के समान रूप से प्रयुक्त होता है, तो मित्र ललित कलाओं में समान रूप से में क्या प्रयुक्त होता है, तो वो लय होता है। देखिए नेक्स्ट है, प्रिज्म के आविष्कारक थे, तो न्यूटन महोदय जो थे वो प्रिज्म के आविष्कारक थे, ठीक है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, रंगों को अधिक मिलाने से क्या खत्म होता है, तो मित्र रंगों को अधिक मिलाने से उसका मान खत्म होता है, ठीक है। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 में दिया हुआ है, पीजीटी में ओस्टवाल्ड की रचना की है, जो ओस्टवाल्ड की रचना की है वो जर्मन वैज्ञानिकों ने की है। इसके बाद नेक्स्ट है, ईरानी चित्रों में प्राय लगाए जाते हैं, तो ईरानी चित्रों में प्राय सपाट रंग लगाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था मित्र पीजीटी 2010 में, हेगल ने ललित कलाओं को रखा, तो हेगल ने ललित कलाओं को 5 वर्गों में रखा। इसके बाद अगला पॉइंट है मित्र, सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाला वर्ण है, तो जो काला और सफ़ेद है वो सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाला वर्ण है। देखिए मित्र यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, ये आयोग द्वारा निर्धारित आंसर दिया हुआ है, उसी को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन दिखाई पड़ते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीन पक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट पॉइंट कह रहा था, एक ही रंग की विभिन्न तान है, तो जो एक ही रंग के विभिन्न तान होते हैं उन्हें मोनोक्रोम भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ था, दृश्य कला के अंतर्गत आता है, तो दृश्य कला के अंतर्गत चित्रकला आता है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम देख सकते हैं, तो मित्र आपको बताना है जो प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम कैसे देख सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर दिया था वो दिया था प्रिज्म द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, चित्रकला से संबंधित नहीं है, तो मित्र जो लिपि होता है वो चित्रकला से संबंधित नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, आकृतियों से स्पष्ट होता है, तो आकृतियों से मित्र रूप का स्पष्ट होता है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है, तो मित्र परिप्रेक्ष्य जो स्पष्ट होता है वो वस्तु की स्थिति, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के निम्न सिद्धांत के अनुसार है, तो वो हो जाएगा आपका रेखीय परिप्रेक्ष्य, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, देखिए टीजीटी 2021 में पूछा गया सवाल है ये, दूरी और निकटता, प्रकाश और रंग, विलयमान बिंदु और क्षितिज रेखा का महत्व है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये 2011 टीजीटी में पूछा गया है, चित्र में प्राण आता है, तो वो आता है रेखा, रंग और लय से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, ललित कलाएं मानी गई हैं, तो मित्र ललित कलाएं 5 मानी गई हैं। इसके बाद था, ललित कलाओं के दायरे में आती हैं, ये मित्र देखिए ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2010 में पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर दिया था चित्रकला, स्थापत्य कला और संगीत कला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, वह तत्व जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका धरातल, ठीक है। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा गया था, रूपप्रद कला का तत्व नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलाज। घन में एक दर्शक देख पाता है, तो वो तीन तल को देख पाता है। इसके बाद दिया था, लावण्य योजना का अर्थ है, तो लावण्य योजना का अर्थ मित्र बाहर सौंदर्य का व्यंजक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, हेगल ने सर्वश्रेष्ठ माना, तो मित्र हेगल ने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, कला शब्द है,
तो मित्र जो कला शब्द है वो संस्कृत भाषा का है। ये आपका TGT 2009 PGT 2004 में पूछा गया सवाल है। सवाल दिया था मित्र, वर्ण रंग के लिए भारतीय चित्रकला में षडांग में प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे वर्णिका भंग शब्दावली का प्रयोग किया गया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका UGC नेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का अन्वेषण किया जाता है, तो ये होता है आपका दृश्य कला में। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है, तो वो हो जाएगा आपका रेखांकन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था 2017 में, प्रकृति के सानिध्य से प्राप्त ज्ञान और उसका प्रतिष्ठित प्रयोग है, तो वो हो जाएगा आपका कला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था मेरे, देखिए ये TGT 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है, तो ये कलम का पर्याय का मतलब शैली से होगा। इसके बाद दिया हुआ था स्थिर मुख आकृति होती है, तो वो अंडाकार होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है मित्र, कला के सृजन का अनिवार्य तत्व है, तो वो हो जाएगा आपका कल्पनाशीलता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, प्रत्येक रचना कल्पना, एब्स्ट्रैक्शन और अभ्यंजना का समुचित संयोजन आवश्यक है, तो वो आपका हो जाएगा ललित कलाओं में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था मित्र, पोत और ताप के द्वारा स्पर्श बोध को जागृत करता है, तो वो रंग करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, सामान्य व्यवहार में उनके प्रयोग के अनुसार रंगों को सही क्रम है, तो ये हो जाएगा मित्र आपका सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का वह रंग जो भूमि को उपजाऊपन, विकास और मंगलता को दर्शाता है, तो वो हो जाएगा आपका हरा रंग। ठीक है, देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आपका KVS 2018 और TGT 2016 और डायट एग्जाम 2018 में पूछा गया सवाल है। ये है प्राथमिक रंग है, तो जो मित्र प्राथमिक रंग है वो आपके लाल, पीला, नीला होते हैं। यहाँ पे पिछले साल का क्वेश्चन कराने का तात्पर्य मित्र ये है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन का रिपीटेशन हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग ये क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो संभावना बना रहेगा, अगर मान लीजिए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है अगर वो आएगा तो आप लोग आसानी से कर जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दिया गया था ये क्वेश्चन आपका डायट प्रवक्ता 2016 में पूछा गया है, खनिज रंग नहीं है, तो उसमें जो राइट आंसर दिया था वो दिया था हल्दी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक काले और एक सफ़ेद रंग के चित्र को कहा जाता है, तो वो आपका एक रंग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट था, इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है, तो मित्र जो भूरा रंग है वो आपका इंद्रधनुष का हिस्सा रंग नहीं है, रेड ऑक्साइड मेल खाता है, तो मित्र जो रेड ऑक्साइड है वो भारतीय लाल से मेल खाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2016 में, वह रंग जो तेज गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है, तो वो नीला हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मित्र, एक इंद्रधनुष में होते हैं, तो मित्र जो एक इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो TGT 2016 तथा डायट एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रकाश का गुण होता है, तो प्रकाश का जो गुण होता है वो रंग होता है। ठीक है, देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग को चित्रभूमि पर क्रमानुसार लगाकर एक प्रभाव उत्पन्न किया जाता है जो कहलाता है, तो वो आपका अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, रंग को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं, तो उसे व्यू कहते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, आप किन दो रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे, तो आपका हो जाएगा भूरा प्लस नीला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था मित्र, PGT 2011 में अस्टवाल्ड आदर्श वृत्त रंगते हैं, तो ये आपके 24 रंगों में हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, बैंगनी रंग का विरोधी है, तो बैंगनी रंग पीले रंग का विरोधी है। शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं, तो जो शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं वो नीला और हरा होते हैं। इसके बाद विरोधी रंग हैं,
तो मेरे जो विरोधी रंग होते हैं, लाल और हरा विरोधी रंग होते हैं एक दूसरे के। ये आपका TGT 2009 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट है सूर्य किरण के रंगों का प्रयोग। तो जो सूर्य किरण के रंगों का प्रयोग हुआ है वो आभासी चित्रण में किया जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, चार रंगों के बाद जब छपाई दूसरे रंग में प्रयोग किया जाता है इसे कहा जाता है, तो इसे विशेष रंग कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए गर्म रंग है, तो आपका नारंगी लाल और पीला जो होते हैं वो गर्म रंग के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है वह रंग जिसमें कंपन गति सबसे अधिक होता है। तो मित्र बैंगनी रंग में कंपन गति सबसे अधिक होता है। ठीक है, देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष रंगों का क्रम है। तो देखिए इंद्रधनुष जो रंगों का क्रम है बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी व लाल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था पीला एवं लाल रंग के मिश्रण से बनता है, तो वो बनता है आपका नारंगी रंग। ठीक है, देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि PGT 2004 में पूछा गया था, कत्थई रंग और नीले रंग मिश्रण से बनता है। तो आपको बताना है कत्थई और नीले रंग के मिश्रण से कौन सा रंग बनेगा, तो वो काला रंग बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट है ठंडा रंग होता है, तो जो नीला होता है वो ठंडा रंग की श्रेणी में आता है। मूल रंग के समूह हैं, तो जो मूल रंग के समूह होते हैं नीला, पीला तथा लाल। मूल रंग का तात्पर्य वो होता है मतलब कि ये रंग किसी और रंग से नहीं बनाए जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए दिया हुआ है द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं, तो मतलब देखिए जो द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं वो हरा, बैंगनी, नारंगी होते हैं। यहाँ पर देखिए मूल रंग जो है किसी रंग से नहीं बनाए गए होते हैं और जो द्वितीय श्रेणी होते हैं वो मूल रंग से बनाए गए होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ था 2005 का TGT का क्वेश्चन है, दिया हुआ है प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हरा। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ था काला और सफ़ेद रंग के मिश्रण से बनते हैं, तो काला और सफ़ेद रंग के मिश्रण से ग्रे कलर बनता है। नेक्स्ट था लाल रंग का प्रतीक है, तो मित्र जो लाल रंग होता है वो प्रेम का प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था मित्र पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में प्रयोग में आते हैं, तो खनिज रंग प्रयोग में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए, तो मित्र जो नीले का विरोधी रंग होता है वो नारंगी होता है। इसके बाद नेक्स्ट दिया था चित्रकला में अधिक महत्व है, तो चित्रकला में रेखा का अधिक महत्व है। इसके बाद था मुसेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या है, तो वो चार हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था TGT 2009 का क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर नीलम ओस्टवाल्ड ने प्रस्तुत किया था, तो इन्होंने आठ रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए संयुग्मन फाइल प्रारूप संबंधित है, तो ये आपका PNG और RGB से हो जाएगा। ये मेरे देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये UGC नेट 2019 का क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सफ़ेद, काला या किसी रंग के मान को कहा जाता है, तो वो आभा रंग होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था मतलब तृतीयक रंग है, तो मतलब जो तृतीयक रंग होते हैं वो छः होते हैं। ये देखिए UGC जुलाई 3rd पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था मेरे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रंगों के विकास का सही कालानुक्रम है, तो वो हो जाएगा खनिज रंग, वनस्पतिक रंग, सिंथेटिक रंग, ऑप्टिकल रंग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था दो रंग हाफ टोन छपाई को एक अकेले रंग प्रतिबिंब के दो समान प्लेटों को तकनीक को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका दुरंगा। ये UGC नेट जुलाई 2016 के सेकेंड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सफ़ेद, काला या किसी रंग के मान को कहा जाता है, तो वो आभा रंग कहलाता है मुझे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सफ़ेद और भूरे रंग का पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर दिया हुआ था वो दिया था पोर्सेलेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था प्राथमिक और द्वितीयक रंग के मिश्रण से बने हैं, तो प्राथमिक और द्वितीयक रंग के मिश्रण से जो बने होते हैं वो तृतीयक रंग होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था रंग के नीचे परतों आरेखन का पता लगाने के लिए किसी कृति की तकनीक की जांच को कहा जाता है,
तो वो होता है एक्सरे विश्लेषण, परागैनिक विश्लेषण, इंफ्रारेड फोटोग्राफी। ये आपका यूजीसी नेट 2001 में पूछा गया सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बिन शब्दों के आशय और संदेश को शीघ्र पद्धति प्रदान करता है, तो वो रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, ठंडा से गर्म रंगों का सही क्रम है। तो मित्र जो ठंडा से गर्म रंगों का सही क्रम है वो पहले नीला हो जाएगा, फिर हरा हो जाएगा, फिर सिंदूरी हो जाएगा, फिर लाल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, सादृश्य रंग है, तो आपके पीला और नारंगी रंग हो जाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था मित्र सही मिलान करने के लिए। तो यहाँ पे मित्र सही मिलान दिया हुआ है, ये आपका यूजीसी दिसंबर 2014 का थर्ड पेपर है। भूरा रंग मौन तथा दुख का, नारंगी रंग ज्ञान तथा गर्मजोशी का, नीला रंग सत्य तथा दूरी का, बैगनी रंग अनुराग तथा प्यार से संबंधित है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, शब्दों के बगैर अर्थ और संदेश को प्रेषित करने के लिए तात्क्षणिक विधि प्रदान करता है, तो वो आपका रंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रंगों का शीतल से उष्ण के क्रम में सही क्रम है, तो ये आपका हो जाएगा नीला, हरा, किरमिजी, सिंदूरी। ये यूजीसी नेट जून 2012 में पूछा गया क्वेश्चन आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लेपिस लाजुली से बनता है, तो लेपिस लाजुली से मित्र नीला रंग बनता है। नेक्स्ट दिया था, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है, तो ये हो जाएगा आपका बैगनी, आसमानी, नीला व हरा। इसके बाद देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, स्केच में दिखता है, तो स्केच में आपका रेखीय गुण दिखता है। ठीक है, देखिए मित्र यहाँ पर जो हम क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, ये आपका TGT, PGT, DSSS आर्ट से संबंधित क्वेश्चन आंसर है। ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मित्र, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, सही सुमेलित है। देखिए सहजता का संबंध है जो वो वर्तुल रेखाओं से है, दूरी क्षैतिज रेखाएं, ऊंचाई एवं शक्ति ऊर्ध्व रेखाएं, झंझावत एवं तनाव उलझी रेखाओं से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है, एक आकृति के किनारों को कहा जाता है, तो मित्र आकृति के किनारों को बाह्य रेखा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है, तो चित्र के लिए जो महत्वपूर्ण घटक है मित्र वो आपका हो जाएगा अच्छा रेखांकन। ठीक है, चल देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, स्केच में विशेषता है, तो वो आपका रेखीय गुण की विशेषता हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिशील बिंदु के अंतरहीन प्रयोग को कहते हैं, तो वो रेखा को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट दिया था, अलंकारिक आलेखन बनाए जाते हैं, तो वो आपके लयात्मक रेखाओं से बनाए जाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है, तो मित्र रंग के साथ रेखा का भी महत्व है। देखिए यहाँ पे सही सुमेलित के लिए क्वेश्चन आया हुआ था, ये आपका यूजीसी नेट 2019 का पेपर है। आकृति द्विआयामी, रूप त्रिआयामी, मान वर्ण तीव्रता का फीकापन और गहरापन, एकता पूर्णता की प्रतीति और बोध। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं, तो ये रेखा कहते हैं। भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता रही है, तो ये भी रेखा हो जाएगा। रेखाएं मनोभाव व्यक्त करती हैं, तो वो व्याकुलता हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है, तो रेखा हो जाएगा। चित्र में आकृति को रूप देती है, प्रभाव पैदा करती है और चित्र को उभारती है, तो इसका भी राइट आंसर रेखा हो जाएगा। किसी बोतल का रेखांकन करने के लिए ज्यामिति आकार का प्रयोग करते हैं, तो वो बेलन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अमूर्त कला है, तो मित्र जो अमूर्त कला है वो अरूपवादी होता है। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ था, विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए आवश्यक है, तो ये हो जाएगा आवश्यक तत्वों से बचना, उचित बनावट का उपयोग, रंगों और स्वरों की भिन्नता। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो ये किए थे आपके यूनान कलाकारों ने।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, सडेम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र रखा जाता है, तो वो दो संबंधित तीन के अनुपात में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, चित्रकारी के विभिन्न कार्य हैं, तो ये दिया हुआ था स्मृति के लिए दृश्य सहायक के रूप में काम करना, कलाकृति के अध्ययन के रूप में, स्वयं में तैयार कलाकृति के रूप में। ये मित्र आपका क्वेश्चन जो है UGC नेट 2016 थर्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है, एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके आयाम पार्श्व दिखाई देते हैं। यदि घन का एक किनारा आपके ठीक सामने बीचों बीच हो तो आपकी दृष्टि स्तर से नीचा रखा हो, तो इसमें तीन हो जाएगा मात्र, ठीक है। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, समस्त कलाओं में एक बल है, समस्त कलाओं में एक बल है, तो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सृजनात्मक आयुर्वेग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये PGT 2005 का क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रेस्को सेस्को चित्र में चित्रण के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो वो आपका हो जाएगा शुष्क भित्ति, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, जो आपका PGT 2002 में पूछा गया सवाल है, ये फ्रेस्को बोनो पद्धति से चित्र बनते हैं, तो आपके दीवार की गीली सतह पर बनाए जाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, फ्रेस्को बोनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है यथा, तो इसका जो मित्र राइट आंसर दिया हुआ था वो दिया हुआ था विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृति रूप से प्राप्त रंग लगाना बोनो पद्धति है। ये आपका PGT 2003 में पूछा गया सवाल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा था, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग तकनीक है, तो ये हो जाएगा आपका जयपुरी फ्रेस्को के समान। ये आपका TGT 2005 में पूछा गया सवाल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इम्पास्टो तकनीक में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो इसमें दिया हुआ है पानी के रंग माध्यम का। ये देखिए आपका NBS 8 2019 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जल आभा का प्रभाव प्राप्त होता है, तो मतलब जो जल आभा का प्रभाव प्राप्त होता है वो रेजिन के उपयोग से होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, वह रंग मॉडल जिसको ऋणात्मक रंग मॉडल दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर दिया हुआ था मित्र वो दिया था CMYK के मॉडल को। ये UGC नेट दिसंबर 2013 के थर्ड पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है मित्र। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सही सुमेलित दिया हुआ था, एयर ब्लोअर ये ढलाई से संबंधित हो जाएगा, रेसिपीज सिरेमिक से संबंधित हो जाएगा, मिट्टी के बर्तन टेराकोटा से संबंधित हो जाएंगे, वेल्डिंग मूर्ति कला से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, रंग सदैव कोमल और सूक्ष्म होते हैं, तो वो आपके वास पेंटिंग में होते हैं। एक टेम्परा पेंटिंग तकनीक का सही क्रम है, तो ये हो जाएगा गेसो पाउजिंग ड्राइंग पेंटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान से संबंधित दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ है फ्रेस्को बोनो प्रक्रिया का सही क्रम है, तो हो जाएगा अरिचियो ड्राइंग इंतोनाको पेंटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दिया हुआ है नवतंत्रवाद वीरेंडे से संबंधित हो जाएगा, फोटो यथार्थवाद विकास भट्टाचार्य जी से संबंधित हो जाएगा, लोक नंदलाल बोस अमूर्तन जहांगीर सावाला संबंधित हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भित्ति चित्रकारी की तकनीक जो ताज़ा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे कहा जाता है, तो उसे फ्रेस्को कहा जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है, तो मित्र जो फ्रेस्को विधि का प्रयोग है वो आपका भित्ति चित्र में किया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्यतः तैल रंग प्रकार का पेंट व्यवहृत होता है, तो ये आपका इम्पैस्टो के लिए होता है। मित्र ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम बाकी क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें।